अरे ये पता नहीं क्यों झगड़ रहे हैं यार किस बात। ये है दरांती, हमारे पहाड़ में बोलते दातुला, उसे मुझे काटना नहीं आता लेकिन मैं इनको तू कूद गया लोग क्यों उन पे ये लगी नहीं रहा वो नकुले आ रहा नहीं आपके साथ पक चुके हैं यहाँ वाले भी देखिए पूरे पके हुए हैं। लड़ाई होगी तो देखो लड़ाई। ये भाई भाभी ने भाभी को कुछ मिल गया है बताना। तुम बोला ना घड़ा भाभी को क्या पता है भाभी ये क्या। चलो बताओ यार मुझे नहीं पता क्या है जो स्टार है ना उसकी पोटी है ऐसे बोलते हैं पता नहीं है मुझे नहीं पता लेकिन किस क्या काम आता है ताई से पूछते हैं। चलो ताई बताओ हेलो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं चंदा मंडारी और स्वागत करता हूँ आपका अपने एक और नए ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से और आज हम जा रहे हैं धान की कटाई करने। धान की कटाई शुरू होने वाली है तो आप सबको पता ही है कि असूज का महीना लग गया है और पहाड़ों में असूज के महीने ना बहुत काम होता है बहुत काम। तो जो पहाड़ी होंगे वो जानते होंगे। दरांती पर आने नहीं आ रही भाभी धान काटने जाने के लिए बनी है पर मुझे लग रहा है कि इस हरकत से मुझे लग रहा है कि भाभी आप फर्स्ट टाइम धान की कटाई करने आ रही हैं। इससे पहले तो इस घास का क्या करना है आप सब जानते होंगे पहाड़ी लोग तो हम आपको बाद में बताएंगे इस घास का क्या करना है। तो इसको भी लेके हमें खेत में जाना है और ये गौशाला है ताई लोगों की निशानी। चलो 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 हाँ अच्छा बाय बाय चलो आगे चलो ताई गाली देगी फिर। और ये गौशाला है हमारी यानी छानी मैं नेपाल रखा है। चलो तो सामने देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ी ताई लोगों का खेत है तो वहाँ पर ताई लोगों ने शायद आज मॉर्निंग में काटे होंगे और हमें जाना है यहाँ पर और फिर जाना है उस साइड। तो इतने देख सकते हो आप इतने सारे खेत हैं धान के तो अभी किसी ने काटे नहीं बस बड़ी ताई ने काट रखे हैं तो अभी हम भी जा रहे हैं तो आपको मिलेंगे सीधे खेत में। भाभी का पोज देखो तो पोज शर्मागे भाभी शर्मागे देखो अरे खींचो 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 ना यार क्यों शर्मा रहे हो यार भाभी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं ये देखो धान के खेत में तो अब शुरू होने वाली है कटाई। तो यहाँ पर दूसरी ताई भी आ रही है नीचे है उनका खेत तो वहाँ पर भी जाना है अभी और यहाँ पर भी जाना है। तो भाई गिर गया था मैं पतक गया था मैं नीचे। देखो ये देखो दोस्तों भाभी फर्स्ट टाइम आ गई खेत में धान की कटाई करने। झूठ नहीं बोला मैं देखो कैसे काटती भाभी। ओ मम्मी मैं पहले स्वागत हो गया यहाँ पर गिर गया मैं। अरे यार सच में मैं गिर गया भाई अब क्या करूँ मैं। ये है दरांती हमारे पहाड़ में बोलते दातुला उसे मुझे काटना नहीं आता लेकिन मैं इनको तो दोस्तों बहुत चला गया ये तू कूद गया लोग क्यों उन पे ये लगी नहीं रहा वो नकुले आ रहा नहीं आपके साथ वही तो मैं इसको सिखाओ ये है हमारी नई बुआरी। नई बुआरी बोल रहे यार इतना पुराना हो गया मैं है कितने साल से काट रहा हूँ मैं 20 साल से तू पैदा हुआ सी तो तूने धान ही काटे मतलब है ना ना पूरे खेत में निकल गई था सो ऐसे करती थी ना ऐसे तब से हम काट रहे हैं इसको क्या आका नहीं मुझे सिखा रही है यहाँ काटने वाले मुझे बंदे दे वाली ताई की साझा ना काटने। ताई बोले वीडियो मैं बनावा मेरी अब तो मैं ताई की वीडियो बनाऊंगा सीधे यहाँ तो पानी पानी हो रखा है यार तो नहीं कैसे काटती ताई। ये देखो अब मैं यहाँ आ गया हूँ नीचे वाले खेत में वीडियो बनाने भी और काटने भी।
भाई के साथ। वहाँ सोबा मुझे काटने नहीं दे रही थी। ये देखो पक चुके हैं यहाँ वाले भी, देखो इधर पूरे पके हुए हैं। ये देखो इस घास को रखना है नीचे ऐसे। ताकि घास क्यों रखते हैं नीचे? सब धाना छजड़ती है ना। धाना छजड़ती है ताकि की हिंदी खतरनाक है यार। गढ़वाली बोलो भाई, गढ़वाली वही तो गढ़वाली बोलनी। तो दोस्तों देखो ऐसे रखने हैं और जो अभी काट रखे थे ऐसे उठाना है। देखो इतना बड़ा सा, और उठा कर कैसे रखना है अभी बताते हैं आपको। देखो ऐसे उठाना है जड़ के साइड से, और जो उसकी जो धान की बालियाँ होंगी वो ऐसे कट्टे के इस साइड रखने हैं, यानी कट्टे में जाना चाहिए। देखो तो जब इनकी मनाही करते हैं तो ये ज़मीन पे ना निकले, सीधे कट्टे में रहे और कट्टे को आराम से पकड़ के लास्ट में उधर रख सकते हैं। इसलिए हम कट्टा रखते हैं और घास नीचे से इसलिए रखते हैं कि वो नीचे ज़मीन पर अगर कट्टा चले गया तो नीचे से पानी सोसेगा तो कट्टा ख़राब हो सकता है। इसलिए घास रखते हैं नीचे से, उसके बाद कट्टा रखते हैं। तो दोस्तों सनसेट हो गया है, मस्त मस्त लग रहा है ना। तो अभी यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे हैं, सबको थकान लग गई है। ये देखो मैं तो चाय पीता नहीं हूँ तो मैं खाऊँगा मिसरी। ये देखो मीठा मीठा, ये देखो मस्त लग रहा है। अब तो दोस्तों इसका कुछ काम नहीं है, मुश्किल सेट काटन। भाई कितना गहर और कहता यहाँ पर लड़ाई होगी तो देखो लड़ाई। ये भाई भाभी ने मार दिया सुबह को। मैं अभी डूबा था भाई वापस, सुबह ने सच नहीं माना कि वापस डूब नहीं रहे। तो मजाक लग रहा था ना कि वापस कह रहा नहीं है सुबह पता कस्टमर है। अच्छा कैसे लग रहा सर पता? और दातुल दातुल चौक खा गई खुड़काटेल खुड़काटेल और खुड़काटेल लोग दातुल गई चौक। ना ना रुको ऐसे नहीं आएगा ना। ओ भाई ये रहा तो सो भाई यहाँ पर डूब गई थी। ठीक है समझ मजाक है मजाक जाके बता दू भाई जी। ठीक है समझ मजाक लाने हाँ डूब चौक भाभी तो मजाक चौक मजाक करना है। भाभी को गुस्सा आने वाला है। यो गाली दे दी, यो गई सो बाप, ओ भाभी को गाली दे दी। अरे यार तो यार आप कुछ नहीं बताने वाले, आपकी नहीं चलती यहाँ है, आपकी नहीं चलती यार। गई सोबा ये आपको नहीं कहा सीरियस होना वैसे मुंह पे दी देगा नहीं जोर से हंस गए ना जोर से भी तुम तो लाने गए फोकस में लाने या सोबा पिट गई आज तो असो तो गमने तो देखा ओ ये देखो लड़ाई नहीं करो, लड़ाई मत करो लड़ाई भाई मत करो लड़ाई भाई। गई सोबा पिट तो बच गई सुबह आज। तो अभी ये हार मानने वाला मैं नहीं हूँ, तो मैं लग रहा हूँ फिर बाद में दे रहे हैं। ये देखो लड़ाई मैं देने देखा प्लीज यार मैं आ जाओ कि नहीं यार। अरे यार मैं वहां से गई नहीं है वहां से नहीं है सुबह लड़ाई। अरे ये देखो पता नहीं क्यों झगड़ रहे हैं यार, किस बात है, क्या हो गया नहीं लगा भाई भाभी कीचड़ आप पे यार। अरे मैं नहा रखी हूं आज तो क्या हो नहा रखी है तो उस पे तो पूरा लग गया यार। तू नहीं नहाएगी नहीं नहाएगी तो क्या होगा तुम्हें लग गया कीचड़ अब तो। टाटा बाय बाय।
भाभी को कुछ मिल गया है बताना। तुम बोला ना गड़ा है। भाभी को क्या पता है, भाभी ये क्या है, चलो बताओ यार। मुझे नहीं पता क्या है, कौन बोलता है यार, पता नहीं यार दोस्तों। तारे जो बल तारे हैं उसकी पोटी है वाली। क्या ताई की बोलनी है गढ़ वाली भाषा में। तो दोस्तों ये देखो। इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ जरूर बताना। ये ना बोलते हैं कि बोलते हैं इसको कि ये ना ऊपर जो तारा रहता है ना स्टार, जो स्टार है ना उसकी पोटी है, ऐसा बोलते हैं। पता नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन किस क्या काम आता है ताई से पूछते हैं। चलो ताई बताओ, इधर देख के बताओ। सुन लिया, जब बल ना किसी पे नजर लगती है, गाय भैंस या कोई आदमी, मतलब कोई भी हो सकता है, तो उसको ना नमक नमक और जो मंत्र के लाते हैं ना लूण मंत्र वो नीचे खेल और जड़ी जड़ के साथ इसको सुंघाते हैं। पता नहीं यार, तो बचपन में हमने तो बहुत कर रखे, जब हमारे भैंस पे दाग लगता था तो हम थोड़ा इसको तोड़ के मैं निकाल के बताता हूँ आपको। मैं अरे कैसे हो गया, ये भूस हो गया ये तो। तो इसको ना ऐसे तोड़ तोड़ के थोड़ा थोड़ा उसको सुंघाते थे गाय भैंस या किसी जिस पे भी नजर लगती थी। तो आपके यहाँ भी होता है ये, सब जगह ही होता होगा। जब तारे अगर बोलते हैं कि तारे की पोटी है तो तारे तो हर कहीं है ना। हम घर पे ये हमारी छानी है, देखो कैसी हो रखी है, कुछ नहीं रहता यहाँ। और ये है सोबा इनकी छानी, क्योंकि हमारे घर पे कोई नहीं है तो छानी के कभी छानी में भी कोई नहीं है। हाँ एक गोरू है, वो फालतू गोरू पता नहीं किसका है, मैंने बोला हमारी छानी में रह ले। चलो चलो किट्टू को मिलते हैं। किट्टू को ये आज का जगह आज तू आज कड़ी जाए आज किट्टू आज का राज ये खुश हो गया। मैं आज लाने वाला हूँ जरा आज का जा वो देख आज का है पहाड़ी कद्दू ये देखो। तो भाभी अभी सब्जी काट रही है और यहाँ पर हमारे छोटे साहब जी पूरा खाने में लगे हैं, उसको पता नहीं क्या समझ रहे हैं, कौन सा फल समझ रहे हैं। तो भाई साहब कैसे लग रहा है? अच्छा आप भी खाओ खाओ खाओ, लगे रहो सबाज हुए। और इसकी सब्जी बन रही है आज ये देखो मस्त। तो यहाँ पर भाभी जी ने बना दी है सब्जी, काली सब्जी नहीं है कद्दू की सब्जी है, वो तो लोहे की वो है ना कढ़ाई, आयरन उसमें भरपूर आयरन है। तो ये देखो यार यहाँ पर बन रहा है कद्दू की सब्जी मस्त। तो रोटी भी बना दी है, पता नहीं अपने आप गायब हो गई है। तो कद्दू की सब्जी बनी हुई है आज ये देखो मस्त। और इधर है मंडुआ की रोटी, देखो सब आ गए, ताई भी आ गया है, किट्टू, अरे भाभी, अरे भाई साहब गट्टू भी आज पता नहीं लापता बरकत है इनका, ग्वाल चले गया और गाय छोड़ गया, गाय बाजार चली गई। तो दोस्तों फाइनली मैं डिनर करके अपने घर पे आ गया हूँ और आप देख सकते हो मैं रूम पे पहुँच गया हूँ अपने। तो यार आज हमने धान की कटाई की और 3 और 4 दिन के बाद हम धान की मनाई करेंगे, वो वीडियो भी मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आप लाइक कमेंट जरूर करना। और हाँ सुबह का बर्थडे आने वाला है, तो सुबह का बर्थडे है 24 को, तो अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना क्या किया जाए सुबह के साथ, तो ज़रूर बताना। हाँ तो यार आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हो तो लाइक कमेंट जरूर करना, और कमेंट तो आप जरूर करना क्योंकि आप करते हो नहीं, और सब्सक्राइब जरूर कर देना जो नए बने हो चैनल पे। तो मिलते हैं आपको जल्दी ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।